नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। सरवाड़ के निकटवर्ती ग्राम खेड़ी शंकर में महाशिवरात्रि की पूर्व बेला पर शिव भक्तों द्वारा जलाभिषेक कार्यक्रम आयोजित किया गया व इसी दौरान क्षेत्र में भी आज शिव भक्तों द्वारा महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव के लड्डू बाटी का भोग लगाकर मनाई जा रही है। महाशिवरात्रि इस कार्यक्रम के दौरान अजमेर जिला के उप जिला प्रमुख हगामी लाल चौधरी द्वारा आयोजित जलाभिषेक कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के बतौर अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने कहा है कि खेड़ी शंकर का ये शिवलिंग अति प्राचीन होने के साथ ही चमत्कारी है। जो इसके दर्शन करते हैं वो अपने आप को धन्य समझते हैं। महाशिवरात्रि की इस पावन बेला पर आप सभी को भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है, वो अद्भुत है। इस दौरान सांसद चौधरी ने कहा है कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो व्यवस्था की गई है वो देश को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी सार्थक साबित हो रही है। भारत देश आज विश्व में एक बड़ी शक्ति बनते जा रहा है। भारत देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं वो कई सालों के बाद हो पाए हैं। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि अजमेर जिला प्रमुख प्रतिनिधि व युवा समाज सेवी भंवर सिंह पलाड़ा ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के साथ मंदिर में एक घंटे तक भगवान शिव की आराधना की। साथ ही पलाड़ा ने कहा कि खेड़ी शंकर के इस प्राचीन शिवलिंग मंदिर में आकर मैं अपने आप को धन्य समझ रहा हूँ। मुझे यहाँ आने से जो सुख मिला है ये सुख सभी को मिले, मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। इस दौरान पलाड़ा ने आयोजित धार्मिक सभा में कहा कि अजमेर जिले में सभी भाई भतीजावाद को हटाकर दो विकास आयाम स्थापित किए हैं, उनमें सभी 36 कौम को साथ लेकर कार्य किए जा रहे हैं जिससे अजमेर जिले का विकास अग्रणीय है। ताली बजा के और आप इनके स्वागत का वो करेंगे और मैं बोलूंगा भाग्यवती जिंदाबाद आपको। शंकर भगवान की जय। भाग्यवती जिंदाबाद। भारत माता की। भाग्यवती जिंदाबाद। चलो अब मैं निवेदन करूंगा साहब को कि वो आप छोटी मोटी उसको करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद जय भारत। प्रेम है आप सभी लोग यहाँ पधारे, उसके लिए आप साहब का तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। अब हमारे प्रेम शंकर जी जो हमारे मेन कार्यकर्ता है यहाँ का संभालने वाले धनराज जी, उनका शायद स्वागत नहीं हुआ है। और हमारे डीआर साहब अब आ गए, कहीं मिलने गए थे। हाँ, नारायण सिंह जी भी हमारे बीच में है और नारायण सिंह जी की बड़ी कृपा हमारे पर ही है। नारायण सिंह जी वो डीआर साहब आ गए ना।